आईपीएल 2021 की नीलामी शुरू होने में लगभग 15 दिनों का समय बचा हुआ है और जो अभी ट्रेड विंडो खुली हुई है वो 11 फरवरी को बंद होने वाली है और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस नीलामी में और ट्रेड विंडो में कौन से तीन बड़े ऑलराउंडर्स को परचेस करके अपनी टीम में शामिल करने वाली है। उन तीनों ही ऑलराउंडर्स के नाम निकल कर सामने आ चुके हैं जिनसे कि एक्सआईपी की टीम कॉन्टैक्ट में आ चुकी है। तो उन तीनों ही खिलाड़ियों के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो हमें किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से आईपीएल 2021 का सीजन खेलते हुए दिखने वाले है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब जीते आईपीएल 2021 का सीजन तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़े हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ऑलराउंडर की जिसे कि एक्सआईपी की टीम ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। वो ऑलराउंडर है मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी को ट्रेड करना चाहती है कि एक्सआईपी। मोहम्मद नबी को प्रपोजल दिया किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने ट्रेड का और मोहम्मद नबी ने इसमें हामी भी भर दिया। मोहम्मद नबी ट्रेड होना चाहते हैं लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ट्रेड नहीं करना चाहती है मोहम्मद नबी को। हालांकि किंग्स इलेवन पंजाब ने कई सारे ऑफर दिए हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को मोहम्मद नबी के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब 3 से 4 करोड़ रुपए भी दे सकती है सनराइजर्स हैदराबाद को और आने वाले कुछ दिनों में हमें मोहम्मद नबी भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, किंग्स इलेवन पंजाब का मोहम्मद नबी को ट्रेड करने वाला फैसला सही है या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए अब बात करते हैं कि आईपीएल 2021 की नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम कौन से दो बड़े ऑलराउंडर्स को खरीद कर अपनी टीम में शामिल करने वाली है। पहले ऑलराउंडर है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन वापसी करते हुए दिखने वाले हमें आईपीएल 2021 के सीजन में और उससे पहले नीलामी में आएंगे तो कई सारी टीमें शाकिब अल हसन पर बिडिंग करने वाली है। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के पास इस ऑक्शन में परचेसिंग पावर ज्यादा रहेंगे। अराउंड 54 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस मौजूद है केएक्सआईपी की टीम में और ग्लेन मैक्सवेल की जगह शाकिब अल हसन बढ़िया रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, क्योंकि इस टीम ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया है। तो ये टीम जरूर शाकिब अल हसन को हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली है इस ऑक्शन में और 99% चांसेस है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम शाकिब अल हसन को इस ऑक्शन में परचेस करके अपनी टीम में शामिल कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम शाकिब अल हसन को इस ऑक्शन में परचेस कर पाएंगी या नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑलराउंडर की जिसे कि एक्सआईपी की टीम इस नीलामी में हमें टारगेट करती हुई दिखेंगे। वो ऑलराउंडर है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस रिलीज हो चुके हैं आरसीबी की ओर से और नीलामी का हिस्सा होंगे, तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम हमें इन पर बीडिंग करते हुए नजर आने वाली है इस ऑक्शन में, क्योंकि इसके दो कारण है। किंग्स इलेवन पंजाब को नीड रहती है एक विदेशी पेसर की जो बढ़िया गति से गेंदबाजी करे और क्रिस मॉरिस 140 की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को ये बड़ा फायदा होने वाला है क्रिस मॉरिस को परचेस करके। और दूसरा फायदा है जो लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करे और क्रिस मॉरिस भी बढ़िया फिनिशर है जो लोअर ऑर्डर में आके बढ़िया हिट लगा सकते हैं। तो क्रिस मॉरिस को इन दो कारणों के चलते किंग्स इलेवन पंजाब की टीम चाहिए अपनी टीम में शामिल करना। वैसे आपको क्या लगता है, किंग्स इलेवन पंजाब को क्रिस मॉरिस जैसे तगड़े ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।